हम में से ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ऊपर या नीचे यहाँ पर व्यू सिंप्लीफाइड पेज का ऑप्शन आता है या यहाँ पर जो है नीचे की तरफ ये ऑप्शन आ जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ये पॉपअप क्यों आता है, किस काम का होता है और अगर आपको इसको बंद करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका यूज़ जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट पर कोई भी ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत प्रकार के एड्स आते हैं। तो अगर आप ये एड नहीं देखना चाहते, बिना एड के आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये फीचर आपके काम का है। जब आप इस व्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद वही वेबसाइट बिना ऐड के जो उसमें लिखा हुआ होता है सिर्फ वही आपके सामने आ जाता है और आप बिना किसी ऐड के या बिना किसी लिंक के इसको पढ़ सकते हैं। तो यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन अगर आप इससे परेशान हैं इस पॉपअप से कि चाहिए ऊपर आए या नीचे, तो आप इसको अगर बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद कर सकते हैं वो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, ये दोनों तरीके आप काम में ले सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाइड व्यू फॉर वेब पेज, इसके सामने ये जो टिक है आप इसको हटा दीजिए सिंपली, बस इतनी सेटिंग करनी है। उसके बाद आपको कभी भी आपके क्रोम ब्राउज़र में जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर URL बॉक्स में टाइप करना है क्रोम, उसके बाद कोलन स्लेस, उसके बाद आपको फ्लेक्स लिख के सर्च करना है, ठीक है। ये सर्च कर लिया हमने, इसके बाद यहाँ पर ऊपर जो सर्च बॉक्स है इसमें आपको, तो अभी सर्च बॉक्स में आपको जो है रीडर लिख के सर्च करना है, रीडर मोड या रीडर लिख के आपको सर्च करना है। अभी आपके सामने जो है दो यहाँ पर सेटिंग आ जाती है, इन दोनों को आपको जो है डिफ़ॉल्ट की जगह यहाँ पर इसको बंद कर देना है। यहाँ पर हम इसको नेवर कर देंगे, ठीक है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। तो इतनी सेटिंग आपको करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको रीलॉन्च का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर से इसको ओपन करके अब जब भी किसी वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कभी भी जो सिंप्लीफाइड व्यू पेज का ऑप्शन आता था पहले वो नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आपके सामने ये जो पॉपअप आता है बार बार, आप इसको बंद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में भी तो आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।